नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवनडीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम में बात करेंगे हम राजनेताओं की भाषा की गिरते स्तर को लेकर, किस तरह से राजनेताओं में भाषा के साथ साथ उनके आचरण में भी गिरावट आई है और साथ में जो लोग हैं उनका आचरण भी किस तरह से आक्रामक होता जा रहा है। किस तरह से बीजेपी कार्यालय में घुसकर एक प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर जूता फेंका जाता है, किस तरह से हार्दिक पटेल को मंच पर भाषण देते समय एक दूसरा व्यक्ति आकर मंच पर थप्पड़ मार देता है। ये मामला नया नहीं है, इससे पहले केजरीवाल पर भी इस तरह की थप्पड़ मारी गई, इससे पहले राजस्थान विधानसभा में भी चप्पल फेंकी गई, इससे पहले गुजरात में भी गृह मंत्री पर जूता फेंका गया, पंजाब में भी जो है वहाँ के जो मंत्री हैं उस पर जूता फेंका गया। तो कहीं ना कहीं ये नेताओं में भी और नेताओं के समर्थकों में भी ऐसा लगता है धैर्य का सब्र टूटता जा रहा है, राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, लोगों में न सहन करने की शक्ति है और न ही कहीं ना कहीं उनमें कुछ देखने की या सुनने की, और लगता है अपनी भड़ास निकालने के लिए या फिर सुर्खियों में आने के लिए लोग इस तरह का कदम उठाते हैं। जैसा कि कल भी देखा गया किस तरह से चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता फेंका गया उस आदमी का, न तो कोई राजनीति से लेना देना था न क्या, लेकिन क्योंकि आक्रोश उसको व्यक्त करना था, अपना गुस्सा जाहिर करना था और उन्होंने इस तरह से मीडिया में जाहिर किया। हो सकता है शायद वो वहाँ जूता नहीं फेंकते तो उनके बारे में कोई जानता भी नहीं, उनके बारे में कोई पूछता भी नहीं। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मीकांत पारिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ललिता मेहरवाल जी है कांग्रेस पार्टी से, ललिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मीकांत जी, जिस तरह का देखा जा रहा है लगातार लगता है राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है चुनाव के दौरान, खासतौर पर चुनाव प्रचार होता है उस दौरान इस तरह के नज़ारे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्या लगता है आपको लोगों की सोच बदल रही है या फिर लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है या राजनीतिक दलों पे नेताओं के प्रति उनका जो नज़रिया बिल्कुल उलट बदलता जा रहा है? देखिए, सब पहले तो मैं कहूँगा लोकतंत्र का उत्सव है और उत्सव को उत्सव की तरह लेना चाहिए। राजतंत्र में और लोकतंत्र में बड़ा एक बेसिकली जो फ़र्क है वह ये फ़र्क है कि राजतंत्र में तलवारों की लड़ाई हुआ करती थी और लोकतंत्र में विचारधाराओं का लड़ाई है। विचारधाराओं की लड़ाई विचारधाराओं तक सीमित रहे तो मैं मानता हूँ निश्चित रूप से हम अच्छी परंपरा का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन जब विचारधाराओं की लड़ाई जूतों पैजार पर आ जाती है तो निश्चित रूप से राजनीतिक मूल्यों का कहने का हनन हो रहा है। और प्राय देखने में आता है कि राजनीतिक मूल्यों का हनन किस स्थिति पर होता है कि जूता फेंक दिया, थप्पड़ मार दिया, सब घटना इन मैं मेरा मानना है कि सुर्खियाँ बटोरने की घटनाएँ अधिक होती है। और मेरा इस व्यक्तिगत रूप से इस बारे में मानना है कि कोई राजनीतिक दल की पार्टी कार्यकर्ता हो, राजनीतिक दल का नेता हो या राजनीतिक दल का अन्य कोई व्यक्ति हो, उन सभी को अपनी वाणी पर निश्चित रूप से लगाम की आवश्यकता है। लगाम का मेरा तात्पर्य है कि अपनी बात को कहें, संजीदा अंदाज में कहें, अपनी बात को एक जनता तक पहुँचाने का माध्यम लोकतंत्र की अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन आप अपनी विचारधारा को जबरदस्ती ठूसना चाहें फिर शायद लोकतंत्र की अभिव्यक्ति आज़ादी नहीं हो सकती। सिर्फ जब तक आज राजनीतिक मूल्यों का हनन जब जब होता है तो निश्चित मान के चलिए लोकतंत्र में लोगों का विश्वास उठता है, और लोकतंत्र में लोगों का विश्वास नहीं उठे यह सब हम सब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का, राजनीतिक दल के नेताओं का निश्चित रूप से एक दायित्व तो बनता है। क्योंकि जब लोकतंत्र के अंदर यदि विश्वास और आस्थाएँ खत्म होगी तो मान के चलिए कि एक नया सा झगड़ालू तंत्र शुरू हो जाएगा और झगड़ालू तंत्र की रोकथाम निश्चित रूप से आवश्यक है। कल की बीजेपी कार्य घटना का आपने अभी विवरण किया, निश्चित रूप से सुर्खियाँ बटोरने की घटना मैं इसको मानता हूँ, न तो मैं केजरीवाल पर थप्पड़ दागने को उचित मानता हूँ, न जूता उछालने की घटना उचित मानता हूँ, न पंजाब या अन्य अन्य विधानसभाओं में किए गए कर्तव्यों को उचित मानता हूँ। मेरा सीधे तौर पर मानना है कि एक नेता का आचरण होना चाहिए उसके मुँह में मिश्री, सर पर बर्फ और पाँव में चक्री होनी चाहिए, निश्चित रूप से एक नेता के सुखद आचरण यही हो सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, यहाँ पर जो है संवाद की लड़ाई है, विचारधाराओं की लड़ाई होती है और विचारधाराओं की लड़ाई में किसी तरह के दंड तत्र का कोई स्थान नहीं है। और यदि जिस तरह से ये चीज़ें बढ़ती जा रही है तो इसको नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सोचना होगा कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। सुर्खियां बटोरने के लिए आप इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देते हो तो साथ में कठोर कार्यवाही भी इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जिससे कि ये हादसे दोबारा नहीं हो सके। ललिता जी, आपको क्या लगता है ये मात्र सुर्खियाँ बटोरने के लिए किया गया एक कृत्य था, क्या सोचती हैं आप, इस तरह के कृत्य होने चाहिए या इस तरह के कृत्य बहुत ही गंभीर है, खतरनाक है, जिनके लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है? ये बिल्कुल सही है, जिस तरह के कृत्य हो रहे हैं आज, जो राजनीतिक स्तर जिस तरह से गिरता चला जा रहा है, उसके नैतिक मूल्य जिस तरह से राजनीति के गिरते चले जा रहे हैं, ये बड़ा अफसोस का विषय है। और लोकतंत्र में ऐसा वास्तव में नहीं होना चाहिए कि लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई है।
अब विचारधारा है, अगर आपको नहीं पसंद आ रही है तो ठीक है, आपको दूर हो जाना चाहिए या ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको नीरज जी, जिस तरीके से आप 70 साल का इतिहास देखेंगे, 70 साल के इतिहास में आज तक राजनीतिक मूल्यों का कभी ह्रास इतना नहीं हुआ है जितना कि 5 या 6 साल के अंदर हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आक्रोश जो है वो इतना ज़्यादा लोगों में आया है, क्योंकि झूठ का जो पुलिंदा अगर जनता के सामने आपने रख दिया है, जितने बड़े वादे करके अगर पार्टियाँ आती है और जितनी बड़ी बातें आप करके आते हो और वो पूरे नहीं होते हैं, जनता कहीं ना कहीं पीड़ित और दुखी होती है, तो कहीं ना कहीं आक्रोश वो देखने को मिलता है। फिर सबसे बड़ी बात है कि राजनेताओं द्वारा जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जो एक निम्न स्तर की भाषा है, तो वो भी एक कारण है कि कार्यकर्ताओं में इसका कहीं ना कहीं नीचे तक असर जाता है और वो उसको कहीं ना बहुत ज़्यादा बढ़ाकर उस चीज़ को करते हैं। तो राजनेताओं को भी देखना चाहिए कि जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं उनको भी अपने जो मर्यादित भाषा की मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए, अपने कृत्य को लांघना नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी आज महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए तो प्रवक्ता ने अपनी भाषा का नहीं जो वो सीमा वो सब ठीक है, कहीं ना कहीं एक आक्रोश कहीं ना कहीं होगा उनके अंदर कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं या बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है, और दूसरों पे जिस तरह से आक्षेप करते हैं, तो वो कहीं एक आक्रोश जो है बहुत, वो बहुत सामने बड़ी बात ललिता जी ने कही है। लक्ष्मीकांत जी, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं लोगों में लगता है कि उनसे जो वायदे किए हैं वो पूरे नहीं हुए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं गुस्सा फिर इस तरह से सार्वजनिक रूप से देखने को मिलता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये भी इसमें भी सच्चाई, बात किसी भी पार्टी की हो सकती है, तो नेताओं को जो वायदे करें, जो बातें करें, वो वही करने चाहिए जो पूरे कर सके। मैं कुछ बातों को ध्यान अंकित कर देता हूँ। यदि आप इस बात के समर्थन करती हैं कि आपको लगता है कि देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मैं समर्थन कर रही हूँ, मैंने ये कहा लोकतंत्र में इस चीज की कोई जगह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आक्रोश जो लोगों का है, जो बड़े बड़े वादे किए हैं अगर वो पूरे नहीं करते तो आक्रोश ही सामने इस तरीके से आता है। ललिता जी, एक बार लक्ष्मण, यदि आप इस बात का समर्थन करते हो, आक्रोश की अभिव्यक्ति यही है, तो निश्चित रूप से मैं आपकी विचारधारा पर उंगली उठाता हूँ। यदि आक्रोश की अभिव्यक्ति की आज़ादी कह देना, यदि JNU में जाकर के नारे लगा देना, उसको समर्थन कर देना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह, यदि अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो इसका आप समर्थन करते तो आपकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन मेरी विचारधारा नहीं है। नहीं, पूरी पूरी बात सुनिए। आप इनकी हमने कब समर्थन किया इस चीज का कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? आप अन्य राहुल गांधी वहां जाकर उसका कन्हैया लाकर पकड़ लेते हैं, अभिव्यक्ति आजादी की बात वहां पर जाकर करते हैं, फिर आपको लगता है कि इनकी बात किस बात का ज्योतक है? तो आप इनकी बात का जवाब दीजिए पहले, उनकी बात रखने किस बात का ज्योतक है? लक्ष्मी तौर पर अब एक मिनट, अब वादों की बात करते हैं। 55 वर्षों से गरीबी हटाओ का नारा देने वाले लोग आज भी गरीबी हटाने की बात करते हैं, कितने नारों को आपने सार्थक कर दिया पता लग जाएगा। इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, हटा देंगे। नेहरू जी का गरीबी हटा देंगे। राजीव जी आते गरीबी हटा देते हैं। राजीव जी यहाँ तक कहते हैं कि मैं बेचता हूँ 100 रुपये, आते हैं 15 पैसे, 100 पैसे बेचता हूँ 15 पैसे आते हैं। तो इस प्रकार की बातें और इस प्रकार के वादे और जुमलों के काम यदि किसी ने देश में किया तो कांग्रेस ने किया। इस देश में लोकतंत्र का गला घोटकर, यदि इमरजेंसी लगाकर, आपातकाल लगाकर इस देश में लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया तो कांग्रेस ने किया है। लेकिन फिर भी मैं इन सब बातों पर नहीं जाना चाहता था, चूंकि अगर सार्थक बहस की मुझे आशा थी, लेकिन सार्थक बहस को जिस रूप में मूर्त रूप देने का काम मानिए सार्थक बहस ही करना चाहते हैं। ललिता जी ने किया है, ललिता जी ने किया है, तो मैं सीधा एक मिनट एक ललिता जी ललिता प्लीज सुन ले, सुनने का सार्थक बहस पर ही आए हैं, सुनने का वादा रखना चाहिए इंसान को, और यदि नहीं है तो फिर मैं यदि मैंने गलत बात नहीं की, यदि आपने यदि राहुल गांधी वहां जाकर कन्हैया लाकर समर्थन करते हैं तो सबने देखा है, मीडिया ने देखा है, इस देश ने देखा है। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हो सकती कि इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये सब व्यक्ति आजादी नहीं हो सकती। फिर भी आपका समर्थन करते, आपकी विचारधारा हो सकती है, हमारी विचारधारा ऐसी नहीं है, पहली बात। अब आपने कहा प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ी की, आपने अन्य अन्य लोगों पर सवाल खड़ी की, मैं बड़े प्रश्न के साथ आपसे कुछ बातों का सवाल खड़ा करता हूं। आपने कहा इस देश के अंदर लगातार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आप लोगों जिस प्रकार से प्रधानमंत्री खून का दलाल, खून का सौदागर, अन्य अन्य शब्दों का उपयोग किया, नीच जैसे शब्द का उपयोग किया, तब आपकी गरिमा को तार-तार करना नहीं, तार-तार आपने नहीं किया था? आपने जब देखा 56 इंच का सीना गधे का सीना होता है, तब आपकी मर्यादा और आपकी भाषा कहाँ चली जाती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सीधे तौर पर, किसी भी व्यक्ति को प्रश्न खड़ा कर देना। बिल्कुल, अब आप इनका जवाब आने दीजिए। लेकिन आपने विचारधारा पर सवाल खड़े किए, लक्ष्मण चाहते हैं ललिता जवाब देगी। ललिता, जिस तरह की बात की है कि आपके नेताओं ने कोई कभी नहीं छोड़ी है, लगातार प्रधानमंत्री की को लेकर भी इस तरह की भाषा का उपयोग किया गया है, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है
और विचारणीय भी है कि क्या हम प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लक्ष्मीकांत जी की जो उन्होंने कहा है, जिस तरीके से उन्होंने बात को घुमाया है कि हम इस चीज का समर्थन, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो ये बिल्कुल उनका कहना गलत है। और दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी पे जो टिप्पणी, प्रधानमंत्री जी स्वयं अगर अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, स्वयं अगर आके यहाँ पे राजस्थान के अंदर एक जब दिया मदेरणा की को हमने टिकट दिया, जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि एक बलात्कार की बेटी को आप टिकट दे रहे हो, तो ये जिस तरीके से एक बहन बेटियों के लिए हमारे राजस्थान में इस तरह की भाषा नहीं यूज की जाती, संसद के अंदर पूरा देश देख रहा है, संसद में आप रेणुका जी को सुरपंखा बोलते हैं और हमारे मनमोहन सिंह जी को जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको ये बोलते हैं कि मुझे ये ऐसा नहीं आता कि जिस तरीके से वो रेनकोट पहन के नहा के निकल आते, गीले भी नहीं होते, जिस तरीके से भाषा का को जो मर्यादा है वो प्रधानमंत्री जी ने ही कहीं कहीं खत्म की है। और बहुत सारी चीजें उन्होंने बोला है अमर्यादित भाषा, और उसका असर सब जगह देखने को मिल रहा है, न केवल स्टेट पे। हालांकि कुछ नेता अभी थोड़े दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था कि हमारी लड़ाई न पीएम नरेंद्र मोदी जी से है, न वसुंधरा राजे से है, हम न संघ परिवार से, उन्होंने पहली बार कहा, और हमारी लड़ाई है वैचारिक लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई है, और हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसी बात ही दूसरे नेता भी बोलते हैं, लेकिन न जाने क्या होता है कि जब वो सार्वजनिक मंचों पर जाते हैं तो फिर वो सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं और कहीं न कहीं फिर इस तरह के हादसे होते हैं। आज हार्दिक पटेल के साथ भी जिस तरह से सभा में वो संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान एक व्यक्ति आता है और उन्हें थप्पड़ जड़ देता है, तो ये मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए ठीक है। लक्ष्मीकांत जी, देखिए मैं कुछ बातों का उल्लेख कर, संसदीय परंपराओं का निर्वहन किसने किया और किसने संसदीय परंपराओं का तार तार किया, इस देश की जनता ने देखा है आंख मारते हुए नेता को, अपने एक विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष को, कि जिस पर आंख मारकर उन देश की लोकतांत्रिक परंपराओं का, किस प्रकार के संसद की परंपराओं का हनन किया, इस देश की जनता ने देखा है। टंच माल किसने का, किस नेता ने कहा, यह भी इस देश की जनता ने देखा है। मुझे लगता है कि इन सब बातों को मैं यहाँ पर उल्लेखित नहीं करना चाह रहा था, फिर भी उल्लेख करना, चूंकि ललिता जी ने विषय रखा तो उल्लेख करना आवश्यक था, मैंने उल्लेखित करने का यहाँ पर प्रश्न खड़ा किया। और किस प्रकार से कभी चाय वाला और कभी चौकीदार चोर जैसे शब्दों का उपयोग कर इस देश की लोकतांत्रिक परंपराओं का को तोड़ने का काम किसी ने किया, तो कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस के अलावा अन्य दल भी से पीछे नहीं रहे। आजम खान का अभी का बयान देख लीजिए, और जिस प्रकार बयान उन्होंने जयप्रदा जी के लिए दिया, मुझे लगता है कि इस देश की महिलाओं का सबसे बड़ा अपमान किसने किया तो आजम खान के माध्यम से हुआ। लेकिन फिर भी विपक्षी दल, तो संपूर्ण विपक्ष को कम से कम समझता हूँ कि सभी राजनीतिक दलों का उस व्यक्तित्व का बहिष्कार करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने अपनी टिप्पणियां दी, उसके बाद मामला खत्म हो गया। जिस व्यक्ति ने भारत माँ को डायन बताने का काम किया, जिस व्यक्ति ने यह कह दिया गरीब महिलाएं क्लब में नहीं जाती इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करती है, उस व्यक्ति की विचारधारा क्या हो सकती है, उस व्यक्ति को लोकतंत्र में रहने का अधिकार भी है क्या, ये एक विचारणीय बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। यहाँ पर कुछ प्रश्नों को और मैं छोड़कर जाता हूँ। ललिता जी ने भी, आपने भी गहलोत जी का जिक्र किया, मैं गहलोत जी का सम्मान करता हूँ, अच्छे राजनीति के रूप में उनको मानता हूँ, लेकिन जिस प्रकार की टिप्पणी पिछले दो दिन में गहलोत जी ने की है उन टिप्पणियों पर, और एक टिप्पणी और बताता हूँ कि वसुंधरा जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का काम किसने किया, अशोक गहलोत जी ने किया, कि काजल बिंदी लगाकर चली जाती है, कपड़े बदल लेती है और ये कर लेती है, ये सब भी किसी महिला के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग किया, तो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। यदि इस देश के अंदर राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर प्रश्न खड़ा करने का काम किसने किया, तो माननीय गहलोत जी ने किया। उन्होंने कहा क्योंकि जाति विशेष थी इसलिए वो राष्ट्रपति बने, उनके अंदर कोई योग्यता नहीं थी, इस प्रकार की भाषा का उपयोग जब होता है। लक्ष्मीकांत जी इस विषय पे तो मैं आपको रोकना चाहूंगा, और आपको चाहे ललिता जी लक्ष्मीकांत जी, मैं दोनों को सुनना चाहता हूँ। क्या उन्होंने ये नहीं, लक्ष्मीकांत जी एक मिनट, क्या उन्होंने कहा गुजरात चुनाव नजदीक से इसलिए रामनाथ कोविंद को जाति का देखकर उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया, क्या ये बयान नहीं कहा उन्होंने? समीकरण साधने के लिए उनको बनाया गया, आपकी बात को मैंने मान लिया कि उन्होंने कहा था मैं पढ़ा है, प्रदेश का मुख्यमंत्री पढ़कर बयान बोले, देखा वो बयान बोले, बड़ी गंभीर विशेष बात को उसकी ताछान किए बिना, उसकी जांच किए बिना उस बयान को सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने बोल देना, एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और दूसरा प्रश्न, दूसरी बात, अभी पाकिस्तान भी संकट स्ट्राइक करता है, पाकिस्तान भी संकट स्ट्राइक करता है, यह भी उन्होंने कहा। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, इस विषय पर बात करें और कई विषय इन्होंने उठाए।
सीधा बात करेंगे लक्ष्मीकांत जी। लक्ष्मीकांत जी, आप कह रहे थे कि नेताओं में लगातार, नेता कोई सा भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कहीं ना कहीं भाषाई स्तर गिरता जा रहा है और उसका क्रियान्वयन कार्यकर्ताओं में भी देखा जा रहा है और कई बार सार्वजनिक रूप से फिर नेताओं को कार्यकर्ताओं के द्वारा ही अपमानित भी होना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं नेताओं को अपनी बात सोच समझ कर ठोक कर बोलनी चाहिए, नहीं तो फिर उसका खामियाजा भी उन्हीं को भुगतना होगा। देखिए, निश्चित रूप से टॉलरेंस पावर की आवश्यकता है ये कि हम किसी बात को कहें तो सोच समझ कर कहें, किसी के पढ़े हुए बयान को कहें तो कोट करके कहें तो सोच समझ कर कहें, क्योंकि आज का जो युग है ये निश्चित रूप से एक टेक्निकल युग है और टेक्निकल युग के साथ साथ इसमें मोबाइल की क्रांति भी बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। आपके चैनल्स का माध्यम बहुत बड़ा माध्यम, सोशल मीडिया, सशक्त मीडिया चल रहा है, तो सोशल मीडिया बहुत तेजी चल रहा है, आपका कहीं भी हर बात कभी भी कहीं भी टेप हो सकती है, कहीं भी खोली जा सकती है। तो मेरा सीधा तौर मानना है कि सार्वजनिक जीवन हो या व्यक्तिगत जीवन हो या आपका बंद कमरे की बातचीत, तो हमेशा इस बात की सावधानी बरतें कि हम जो भी कह रहे हैं वह निश्चित रूप से अच्छी बात कहें, सार्थक बात कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैंने जब प्रश्न खड़ा किया तो आपने नीरज जी प्रश्न खड़ा किया था कि उन्होंने पढ़ा हुआ बयान कॉर्ड किया। देखिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री और संजना देता और एक पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहा हुआ व्यक्ति जब किसी को पढ़े हुए बयान को रिकॉर्ड करता है, मैं समझता हूँ पढ़ा हुआ बयान उनके लिए गंभीरता हो सकती है। और उन्होंने जिस प्रकार का व्यक्त दिया कि राहुल गांधी के बारे में फेसबुक पर टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी को मैं नहीं करना चाहता। क्या वह टिप्पणी भी ठीक थी? मैं किसी भी इस बात को जो किसी ने भी किसी के लिए कह दिया वो उसको पढ़ करके आप सार्वजनिक जीवन में उतार देवें या मीडिया सामने परोस दें तो ठीक नहीं होता। मैं फिर एक प्रश्न खड़ा करता हूँ, पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की, यदि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक की तो अशोक गहलोत इस बात का जवाब दें, उसको रखे सबके सामने, या यूपीए 102 के समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो फिर इस देश से छुपाई क्यों गई, वह बताया पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक कब कब की। और इस देश पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो निश्चित रूप से देश की सेना का मनोबल उस समय घटा होगा, उस समय देश की सेना का शौर्य कम हुआ होगा। यह प्रश्न खड़ा होता है कि कौन सा समय ऐसा था जब इस देश की सेना के शौर्य को अपमानित होना पड़ा और जब पाकिस्तान यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की, और क्यों छुपाया गया इस देश की जनता से, क्यों छुपाया गया इस देश की मीडिया से, बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। क्यों नहीं नेताओं को अपनी भाषा, अपनी बात रखने से पूर्व क्यों नहीं वो मंथन करते, क्यों नहीं सोच समझकर बयान देते, जिससे कार्यकर्ताओं को भी और उनको भी कहीं गई, क्योंकि जिस तरह से चार चार नेताओं को इस बार चुनाव आयोग ने जिस तरह से बैन किया वो भी उनकी भाषा और बोली के कारण किया गया, क्योंकि उनकी जो भाषा बिल्कुल अमर्यादित थी, जिस तरह से योगी, मायावती और आजम खान और अन्य नेताओं को बैन किया गया, ये इस बात का सबूत है कि वाकई में जब भाषा अमर्यादित होती है तो फिर चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं कठोर एक्शन लेना पड़ता है। और जो देखने में मिल रहा है कि राजनीति में वाकई में स्तर गिरता जा रहा है, आपको लगता है नेताओं को, जो बड़े नेता उनसे उम्मीद ज़्यादा की जाती है, जो नामचीन नेता है उनसे ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि इनसे तो कम से कम अच्छी भाषा की उम्मीद है, ये तो कुछ अच्छा बोलेंगे। नीरज जी, अभी आप देखिए, अभी लेटेस्ट आज का बयान है जो साध्वी प्रज्ञा ने जिस तरीके का बयान दिया है हेमंत करकरे जी के लिए कि जिन्होंने आतंकवाद से लड़ते हुए अपनी जान दे दी, अपनी शहादत दी है, उनके लिए किस तरीके से उन्होंने प्रश्न उठाया कि मैंने श्राप दिया था या मैंने ऐसे कहा था, कि उनका राष्ट्रवाद देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने जो भाषा यूज़ की है उनके लिए वो बड़ी शर्मनाक भाषा है। और मैं तो बोलती हूँ बीजेपी को इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से, और जिस तरीके से उन्होंने जो शहादत दी है वो पूरे देश को गौरवान्वित करने वाली थी। और लेकिन जो साध्वी प्रज्ञा जी ने जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि आज पूरा देश शर्मसार हुआ है, तो पूरे बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनको ये इस तरह के जो निम्न स्तर के बयान नहीं देने चाहिए थे। दूसरी चीज, जिस तरीके से आप सीएम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को देखिए, आप अली बली करते रहते हैं कि हमेशा यहाँ पे आके जो दलित समाज से हैं, जिस तरीके से आज स्थिति गंभीर होती जा रही है पूरे देश की, आज 5 साल के अंदर जो देश की सबक लेने की आवश्यकता है, राजनीतिक मूल्य को हरास बीजेपी के आने से हुआ है, पूरा देश आज खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, लोकतांत्रिक मूल्यों को जिस तरीके से इन्होंने हरास किया है, ये आज वाकई एक गंभीर विषय है, लगता है सबक लेने की आवश्यकता है। आज मैं एक बार बताऊं, आरबीआई खतरे में, चुनाव आयोग के प्रश्न चिन्ह बहुत सारे उठाए जा रहे हैं, आज जेट एयरवेज का देखिए जिस तरीके से ये कर तो रहे हैं, और आज बात नेताओं मतलब के राजनीतिक बयानों को लेकर हो रही है, विकास के मुद्दे पे ये वोट नहीं मांग रहे, आज पुलवामा के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आज सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। 1947 से लेके आज तक 1000 उसको लेकर नीरज जी 1000 सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आज इनको पुलवामा और स्ट्राइक के नाम पे वोट मांगने पड़ रहे हैं कि आप इस नाम से वोट दे दे, विकास के विकास इन्होंने किया नहीं, 15 लाख दिए नहीं, रोजगार दिया नहीं, और बहुत सारी गंगा की सफाई की नहीं, जिस तरह से बड़े बड़े बातें करके आए आज कुछ किया नहीं, तो आज सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है लेकिन अब इनको सेना के नाम पर, पुलवामा के नाम पर वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि इन्होंने विकास
नहीं किया। मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ विषय आपके सामने फिर से रख देता हूँ। 1962 का युद्ध था, सेनाएं भी यही थी, शौर्य भी यही था और सेनाओं का साहस भी यही था, लेकिन 1962 का युद्ध में किसी चीज़ की कमी थी, राजनीतिक शक्ति की कमी थी, जिसके कारण 62 का युद्ध चाइना के से हम हार गए और हारने के बाद चाइना ने हमारे बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। ये वहीं पर कमी थी, सेना की शौर्य कमी नहीं थी, इस देश के अंदर उस चीज की कमी थी, राजनीतिक शक्ति की कमी, नहीं हो सकती सर। यदि आप नहीं करना चाहते, नहीं होना चाहते, बता रहा हूँ ना, हमारी इच्छा शक्ति शक्ति थी कि पाकिस्तान में जाकर उसी मार्ग में जाकर वापस स्ट्राइक की। ये दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक था नरेंद्र मोदी, जिस कारण सबका संभव हो सका। आपकी इच्छा शक्ति नहीं थी, 71 में जीते हुए युद्ध को आपने हारे कगार पर लेकर छोड़ दिया और कश्मीर आपके पास आ नहीं सका और आपने 95 सैनिक छोड़ दिए बिना कश्मीर लिए। लेकिन उस समय बंगाल अलग किया, इंग्रज ने कर दिया, अरे सेना का शौर्य ने अलग किया, सेना के धैर्य ने अलग किया, सेना के साहस ने पश्चिम बंगाल अलग किया। और बहुत सारे जब युद्ध हुआ है तो इसकी सेना के शौर्य को नमन करता हूँ, इसकी सेना के साहस को नमन करता हूँ। कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किया, भाजपा के नेताओं ने नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसको श्रेय मिलता है। आज अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो उनको श्रेय मिलेगा। 1962 में यदि कुछ हुआ तो उसके उसका उसका श्रेय भी उनको जाएगा। 1971 में श्रेय इंदिरा जी को मिलेगा। कहीं ना कहीं आवश्यकता इस बात की है कि कम से कम चुनाव में तो सेना के शौर्य का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बात 71 की करते हैं तो इंदिरा जी का नाम लेते हैं, तो आज की बात करेंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी को भी श्रेय देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ललिता जी तो कहीं ना कहीं आपको नरेंद्र मोदी को भी श्रेय देना पड़ेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक की है। ललिता जी एक बार लक्ष्मी कांत जी की बात बिल्कुल सुनने का, यही तो कमी है लक्ष्मण, यही तो कमी है, इसीलिए तो जूते चप्पल फिक रहे हैं, जूते बाजार हो रही है। ललिता जी एक बार इनको, ललिता जी इनको बोलने दीजिए, ललिता जी प्लीज, ललिता जी अभी आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। क्यों हटा दिया गया 350? ललिता जी आपके सवालों का ही जवाब दे रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, एक बार शांति रखिएगा प्लीज। तो ये कहीं ना कहीं इनके फेलियर है, इसी इनके लापरवाही है। एक बार उनको जवाब देने दीजिए ललिता जी, एक बार उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। नहीं बिल्कुल रखिए ना, मैं मना कर रही हूं, रखिए हम इनका जवाब दे दें क्वेश्चन का। बिल्कुल एक बार उनको अपनी बात रखने दीजिए ताकि वो अपनी बात रख सके, दर्शकों तक पहुंचा सके वो क्या कहना चाहता है। कुछ प्रश्न खड़े करता हूं फिर से। नहीं क्वेश्चन मेरे मेरे का जवाब दे दें, इनके सवालों का जवाब दे दें आप। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दें, सुषमा स्वराज जी ने कहा है कि हाँ एक भी आतंकी नहीं मरा एयर स्ट्राइक में। पहले आप देख लें, पहले सुषमा स्वराज जी ने क्या बोला है और ललिता जी एक बार उनकी बात, उनकी बात दर्शकों तक पहुंचने दीजिए, उनकी बात एक बार दर्शकों तक पहुंचने दीजिए। आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं, वो पार्टी का रुख क्या है, उनकी पार्टी क्या है, इस मामले में स्टंट रखते हैं एक बार। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी ये सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि जिस तरह की आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की है उसके बाद में जो बयान आ रहे हैं लगातार, आज तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कितने आतंकवादी मरे हैं, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहा है। लेकिन हवाई यात्रा क्यों इन्होंने मना कर दी, फिर भी एक बार पोस्ट क्यों हटा दिया? ललिता जी प्लीज एक बार ललिता जी इनको बात रखने दीजिए। बिल्कुल रखे रखिए लक्ष्मीकांत जी। देखिए भाषण अच्छा था कहने के लिए, हाँ, और अच्छे भाषणों में अच्छे प्रश्न आपने खड़े करने का प्रयास किया। नहीं ये भाषण नहीं, बोलने मतलब वास्तविकता भाषण हो गया। आप एक बार मतलब नहीं लक्ष्मीकांत जी, अब ये क्वेश्चन पूरा देश पूछ रहा है, 200 करोड़ भारत की जनता आपसे पूछ रही है, उसका जवाब दें। ललिता जी हाँ बिल्कुल जवाब ही दे रहे, एक बार सुनने तो सुनो तो सही। आप लक्ष्मीकांत जी आप अपनी बात देखिए, लक्ष्मीकांत जी डिबेट में अब आपको व्यवधान चलना ही पड़ेगा, फिर व्यवधान पहले को तो बोल नहीं पाएंगे। लेता हाँ, नहीं, तो, नहीं, तो, नहीं, तो, नहीं, तो, नहीं, तो, नहीं, तो,
दो मिनट बचिए, लक्ष्मीकांत जी को बोलने दीजिए। लेकिन निश्चित रूप से इस देश में पुलवामा की घटना हुई और पुलवामा की घटना के बाद सरकार ने जो बड़ा काम किया है सजगता के माध्यम देश का गौरव बढ़ाने काम किया और गौरव बढ़ाकर वहां कितने आतंकवादी मारे ये कांग्रेस से पूछकर वहां कैमरे फिट करके वहां की सेना नहीं जाया करती, सेना जाती अपना काम करके आती। इस शौर्य को नमन करना चाहिए कांग्रेस को और कांग्रेस ने जो गलत कृत्य किया है देश की सेनाओं पर जो प्रश्न खड़ा किया कांग्रेस गलत कृत्य था। सजगता के माध्यम से देश का गौरव बढ़ाने काम किया इस देश की सेनाओं ने किया, साथ ही शक्ति का प्रतीक मोदी जी इसलिए हो पाया। लेकिन हार गए लोग जो सेना के शौर्य पर खड़ा करते हमला हुआ अलग था पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे पाकिस्तान के द्वारा सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांगना लगातार कर रही है। आप संपूर्ण बता दे इस देश में संपूर्ण की बात लगातार कांग्रेस कर रही है। इस 70 वर्षों में कभी भी कांग्रेस एक किसान का संपूर्ण कर दी देश तो बता दे झूठ पर झूठ पर झूठ झूठ पर झूठ कांग्रेस कर रही है इस देश की मूल्यों का यही कारण है। जैसा कि अभी डिबेट में हम देख रहे हैं हमारे दोनों जो साथी आए हुए भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूरी में मुझे इसका उठाना पड़ा है और जो कांग्रेस की जहाँ ऐसा ही धैर्य जनता में है नेताओं में है और अपनी बात छोड़ने के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं जिसका नतीजा हमको देखने को मिलता है। कई सार्वजनिक मंच पर जूते फेंके जाते हैं, कई सार्वजनिक मंच पर नेता पिट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यह धैर्य की कमी है। नेताओं को अपनी बात सोच समझ कर रखनी चाहिए। आप दोनों मुद्दाग्रम में पधारे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो देखा आपने किस तरह से जब इस विषय पर बहस रखी गई तो उस बहस में भी दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी लेकिन कहीं ना कहीं धैर्य की कमी थी और धैर्य की कमी के चलते उन्होंने अपनी बात तो रखी लेकिन बात रखने के साथ में उनमें गर्म जोशी भी बरकरार थी। यही कारण है कि कई बार ये नेताओं की भाषा और कार्यकर्ताओं का जो आपसी मनमुटाव होता है वो इस स्तर पर पहुंच जाता है कि वहां पर मारपीट की स्थिति भी आती है और जो भाषा का स्तर है वो भी लगातार नेताओं को गिरता जा रहा है। तो नेताओं को जो कम से कम शीर्ष पर बैठे नेता है उनको भाषा स्तर पर अपनी जो है ध्यान देना होगा, लगाम लगानी होगी ताकि कार्यकर्ताओं में कम से कम अच्छा संदेश जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था बरकरार रहे। मुद्दाग्रह में आज के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एमन टीवी।